हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीए सेकेंड सेम, माई सेल्फ डॉक्टर हसन बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, डीएवी पीजी कॉलेज, बीएचयू वाराणसी। बीएसएस 122 इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर के फिफ्थ यूनिट में हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था कम्युनलिज्म और रीजनलिज्म की। आज हम लोग चर्चा करेंगे कास्टिज्म, यानी जातिवाद क्या होता है। भारत के संदर्भ में जातिवाद को डिस्कस करेंगे। तो भारत में जातीय आधार पर सामाजिक संस्तरण और असमानता, यानी सोशल हायरार्की और जो इनइक्वालिटी है, उसी के परिणाम स्वरूप आज भी विभिन्न जातियां ऊंच नीच की भावनाएं पाई जाती हैं, ऐसा देखा जाता है। तो भारत में जातीय असमानता बने रहने का एक प्रमुख कारण माना जाता है वो है जातिवाद, जो कम होने के बजाय निरंतर बढ़ता जा रहा है। और देखा जाए तो राजनीतिक दल भी जातिवाद का सहारा लेते हैं और जाति आधार पर अपना वोट बैंक बनाकर अपने हितों की पूर्ति करते हैं। अपनी जाति के प्रति बढ़ती हुई निष्ठा के कारण जातिवाद की गंभीर समस्या आज हमारे सामने है। और चुनाव, नौकरी, शिक्षा संस्थाओं, सभी जगह देखा जाए तो जातिवाद का ही बोलबाला है। जातिवाद व्यक्ति की अपनी निष्ठा अपनी जाति तक ही सीमित रखने में सहायक होती है और जिसके कारण राष्ट्र के विकास, है ना, राष्ट्र के प्रति जो उसकी निष्ठा होनी चाहिए, जो भावना होनी चाहिए, उसका विकास नहीं हो पाता है। जिसके कारण क्या होता है, प्रजातांत्रिक हमारी जो व्यवस्था है उसका, उसको दृढ़ बनाना, उसके नैतिक उत्थान के लिए या नेशनल इंटीग्रेशन की बात करना, है ना, राष्ट्रीय एकीकरण में भी बाधक बताया गया है। अब हम लोग देख लेते हैं जातिवाद का अर्थ क्या होता है। तो साधारण शब्दों में अगर देखा जाए तो जाति के प्रति निष्ठा का भाव रखना ही जातिवाद कहलाता है, यानी अपनी जाति के प्रति बढ़ती हुई जागरूकता, है ना, अपनी जाति के लिए आस्था रखना, वो भावना रखना, और ऐसी भावना रखना कि अन्य जातियों के हितों की अवहेलना करने के लिए प्रेरित करती है वो भावना। तो भारतीय समाज में अगर देखा जाए तो शुरू से ही अपने समूह के प्रति वफादारी और भक्ति की भावना दिखाई देती है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जाति के आधार पर धर्मशालाएं हैं, मंदिर हैं, अस्पताल हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं, इनका जन्म इसी भावना के आधार पर हुआ है, जहाँ पर अपनी जाति को श्रेष्ठ माना गया, अपनी जाति के व्यक्ति को का पक्षपात करना और उसे आगे बढ़ाना और उसी के अपनी जाति के उद्देश्यों के लिए अन्य जातियों की अवहेलना करना ही जातिवाद कहलाता है। जाति प्रथा का प्रचलन जो है केवल भारत में ही नहीं है बल्कि मिस्र है, यूरोप है, इसमें भी देखा जाता है। पीए सोरोकिन ने अपनी पुस्तक सोशल मोबिलिटी में लिखा है कि मानव जाति के इतिहास में बिना किसी स्तर विभाजन, यानी लेवल ऑफ डिवीजन के, उसके रहने वाले सदस्यों की समानता एक कल्पना मात्र माना है। इसी तरह सीएच कूले का कथन है कि वर्ग विभेद यानी क्लास डिस्क्रिमिनेशन जो है वो वंशानुगत होते हैं, यानी हेरिडिटरी होता है उसे, और उसे ही उन्होंने जाति कहा है। तो इस विषय पे अनेक मत स्वीकार किए गए हैं। राजनीतिक मत में के अनुसार अगर देखा जाए तो जाति प्रथा क्या है, उच्च ब्राह्मणों की चाल कही गई है। व्यवसायिक मत के अनुसार देखा जाए तो ये पारिवारिक व्यवसाय से उत्पन्न हुई है। सांप्रदायिक मत के अनुसार देखा जाए तो जब विभिन्न संप्रदाय संगठित होकर अपनी अलग जाति का निर्माण करते हैं तो इसे जाति प्रथा की उत्पत्ति कहते हैं। और इसी तरह ट्रेडिशनल व्यू देखा जाए तो ये प्रथा भगवान द्वारा विभिन्न कार्यों की दृष्टि से निर्मित किए गए हैं। अब हम लोग इसकी परिभाषा देख लेते हैं। काका कालेलकर के शब्दों में जातिवाद शक्तिशाली पक्ष द्वारा दी जाने वाली वह अंधाधुन अवहेलना है जो कि स्वस्थ समाज के लिए आवश्यक तत्व जैसे समानता, भाईचारे को खत्म करती है। इसी तरह के एम पाणिकर ने के शब्दों में जातिवाद किसी जाति या उपजाति की वह ईमानदारी है जो कि राजनीति में अनुवादित हो चुकी है, ठीक है। अब एम एन श्रीनिवास ने कहा कि अल्प अवधि के आधार पर देश में जाति को लेकर अधिक परेशानी होने की संभावना है, ऐसा उन्होंने माना है। और फिर आर एन शर्मा के अनुसार देखा जाए तो जातिवाद किसी व्यक्ति की अपनी जाति के प्रति अंधश्रद्धा है जो दूसरी जातियों के हितों की परवाह नहीं करती और अपनी जाति के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और अन्य ज़रूरतों को पूरा करने का ही ध्यान रखती है। तो अब हम लोग देख लेते हैं भारत में जातिवाद के विकास के क्या क्या कारण हैं, कॉजेज क्या क्या हैं कास्टिज्म इन इंडिया में।
जातिवाद के विकास के कुछ कारण जाति व्यवस्था की अपनी विशेषताओं में ही दिखाई देते हैं। अनेक कारण ऐसे हैं जो कि जातीय संगठनों को मजबूत बनाने में बहुत सहायक होते हैं। वो कारण है, पहला है विवाह संबंधी निषेध, यानी मैरिज रिस्ट्रिक्शंस हैं। यानी अंतर्विवाही समूह होने के कारण क्या होता है, अपनी ही जाति के सदस्यों का अपनी ही जाति में विवाह करने के लिए प्रतिबंध लगा होता है। तो इससे क्या होता है, कई जातियां जो हैं के कई जातियों के सदस्य आपस में ही संबंधित होते हैं। इन सब कारणों से व्यक्ति अगर परिवार से बाहर किसी के हितों का ख्याल रखता है तो वो जाति के हित का। तो इसलिए विवाह संबंधी निषेध से जातिवाद को और प्रोत्साहन मिलता है। इसी तरह सेकेंड है खान पान एवं सामाजिक सहवास आदि पर प्रतिबंध, यानी रिस्ट्रिक्शन ऑन फूड एंड सोशल इंटरकोर्स एक्सेट्रा। प्रत्येक जाति अपने सदस्यों पर दूसरी जाति के सदस्यों के साथ रहने तथा खाने पीने पर कुछ न कुछ प्रतिबंध लगाती है। चाहे वो दुख हो चाहे सुख हो, ऐसे समय में भी अपनी ही जाति के व्यक्ति हाथ बटाते हैं। इसलिए व्यक्ति में अपनी जाति के प्रति जो अंधविश्वास है वो पैदा होने लगता है, जो बाद में जातिवाद का रूप ले लेता है। थर्ड पॉइंट है सामान्य रीति रिवाज, पूर्वज एवं व्यवसाय, कॉमन ट्रेडिशन, एंसेस्टर्स एंड ऑक्यूपेशन। जहाँ पर जाति के प्रत्येक सदस्य अपनी जाति के दूसरे सदस्यों से इसलिए जुड़े होते हैं क्योंकि उनके रीति रिवाज और धार्मिक विचार जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं। कई बार वे अपने आप को एक ही पूर्वज की संतान भी मानते हैं। तो जाति के सदस्य कि ये सामान्यता जो है एक तरह से समान व्यवसाय करते हैं और इन सब से भी व्यक्ति में अपनी जाति के प्रति वचनबद्धता उत्पन्न होती है। फोर्थ पॉइंट है नगरीकरण एवं आवागमन के विकसित साधन है, अर्बनाइजेशन एंड डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो आवागमन के साधनों के विकास से अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले एक ही जाति के लोगों में ज़्यादा मेलजोल के अधिक अवसर मिलते हैं। यानी नगरों में एक ही जाति के लोगों में ज़्यादा मेल मिलाप होता है और जाति के सभी सदस्यों को एकत्रित करने के लिए और सहभोज या सम्मेलन किए जाते हैं। इससे भी जातिवाद के प्रति निष्ठा बढ़ती है की भावना बढ़ती है। लास्ट पॉइंट है संचार व यातायात के साधनों में वृद्धि, एक्सपेंशन ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे क्या हुआ कि यातायात और संचार के साधनों का अभाव जो प्राचीन काल में बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए जातिवाद तब नहीं पनप पाया, लेकिन आज ये कमी दूर हो गई और बिखरे हुए एक जाति के सदस्य के बीच जो है और संबंध जो है दृढ़ होता जा रहा है। जहाँ एक ओर यातायात के साधनों में उन्नति होने के कारण एक जाति के सदस्य अपने देश के विभिन्न भागों में बिखर गए हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हीं साधनों ने उन्हें संगठित करने में भी सहायता दी है। आज देश के विभिन्न भागों में और विभिन्न समयों में जातीय सम्मेलन होते हैं, उनमें देश के कोने कोने से उस जाति के सदस्य जो है वो भाग लेने आते हैं और अपने सामान्य हितों की रक्षा करने के उपाय को सोचते हैं और उसी के अनुसार प्रयत्न करते हैं। साथ ही साथ समाचार पत्र हैं या जातीय पत्रिकाओं के द्वारा भी जातिवाद की भावनाओं का प्रचार जो है वो बहुत अब आसानी से हो रहा है। संचार के साधनों में विकास होने से क्या हो रहा है, एक दूसरे लोग क्या हो रहा है, एक दूसरे से आसानी से जुड़ जाते हैं। संचार व यातायात के साधनों ने उनको कहीं इनडायरेक्ट कहना चाहिए अप्रत्यक्ष रूप से जातिवाद को आगे बढ़ने में मदद पहुंचाई है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए कि संचार और यातायात का विकास नहीं किया जाना चाहिए। भारत में जातिवाद के परिणाम देखेंगे, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कास्टिज्म, जिसमें सबसे पहला है राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक, हिंड्रेंस इन नेशनल इंटीग्रेशन। तो जाति के प्रति जो निष्ठा और वचनबद्धता होती है वो हमारी राष्ट्रीय एकता में बहुत बड़ी बाधक होती है। व्यक्ति क्या करता है, राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा अपनी जाति के हितों को सबसे ऊपर मानता है। तो जातिवाद के कारण वो आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक किसी भी क्षेत्र में अयोग्य व्यक्ति भी नियुक्त कर पाने में सफल हो जाता है, जिससे राष्ट्रीय विकास रुक जाता है। सेकेंड है प्रजातंत्र के लिए घातक, यानी फैटल फॉर डेमोक्रेसी। जातिवाद और प्रजातंत्र दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। जातिवाद ऊंच नीच पे बल देता है जबकि प्रजातंत्र समानता पे बल देता है। आम चुनाव हो गया या चुनाव क्षेत्र की जातीय संरचना के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाता है ताकि जाति के आधार पर वोट प्राप्त किया जा सके।
और देखते हो अब आप लोग कि राजनीतिक क्षेत्र में जातिवाद जो है प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ा गंभीर खतरा बनकर आ रहा है। थर्ड है नैतिक पतन एवं भ्रष्टाचार, मॉरल डिग्रेडेशन एंड करप्शन। तो जातिवाद के कारण क्या हो रहा है, व्यक्ति अपनी जाति के सदस्यों की सहायता कर रहा है उसे आगे बढ़ाने के लिए हर हर तरह के इलीगल है ना अनुचित साधनों का प्रयोग कर रहा है। इसके कारण उसका नैतिक पतन हो रहा है और सामाजिक मूल्य को महत्ता बहुत कम मिल रही है। तो हो क्या रहा है, भ्रष्टाचार को भी बहुत बढ़ावा मिल रहा है। और लास्ट है औद्योगिक कुशलता में बाधक, हिंड्रेंस इन इंडस्ट्रियल इफिशियंसी। तो जातिवाद के कारण औद्योगिक कुशलता भी प्रभावित हो रही है। इसके कारण क्या हो रहा है, जो अयोग्य हैं या कम प्रशिक्षित व्यक्ति जो हैं वो भी नौकरियां प्राप्त करने में एवं महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचने में सफल हो जाते हैं। ऐसे में व्यक्ति अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पाता है जिससे औद्योगिक कुशलता में बाधा पहुंचती है। अब हम लोग बात करेंगे भारत में जातिवाद के निराकरण हेतु सुझाव, सजेशंस फॉर द इरेडिकेशन ऑफ कास्टिज्म इन इंडिया। जातिवाद क्योंकि प्रजातंत्र के सिद्धांतों के एकदम ही ऑपोजिट है, एकदम विरुद्ध है, इसलिए ये काफ़ी हद तक वाद विवाद का विषय बना रहा। तो इसके समाप्त करने के सबसे पहला पॉइंट जो है अंतर जातीय विवाहों को प्रोत्साहन देना चाहिए, यानी इनकरेजमेंट टू इंटरकास्ट मैरिजेस। तो अगर हम लोग इसको बढ़ावा देंगे इंटरकास्ट मैरिज को, तो भारत में कहीं ना कहीं ये जातिवाद जैसी जो समस्या है वो समाप्त होगी। और कई राज्यों ने, कई सरकारों ने इसके लिए बहुत प्रयास भी किया है और अनुसूचित जातियों से विवाह करने के लिए बहुत प्रयास भी किए गए हैं, परंतु अभी भी अंतरजातीय विवाह देखा जाए तो केवल नगरों में है और केवल जो है शिक्षित क्षेत्रों में या शिक्षित लोगों में ही सीमित रह पाया है। और सेकंड है विभिन्न संस्थाओं से जाति के नामों को हटाना, एलिमिनेशन ऑफ कास्ट नेम फ्रॉम द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। ये बहुत ज़रूरी है, यानी जाति के नाम का कम से कम प्रयोग किया जाना, किसी संस्था का जाति के नाम पर नाम नहीं होना चाहिए। और सरकार इस ओर भी बहुत कदम उठा रही है और ऐसे अनुदान या ऐसी राशि देना बंद कर रही है जो जाति पर आधारित है, और अन्य संस्थाओं पर भी इस प्रकार का अंकुश लगाया जा रहा है। थर्ड है निम्न जातियों की आर्थिक स्थितियों में सुधार, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ लोअर कास्ट। आर्थिक समानता जो कि निम्न और उच्च जातियों में पाई जाती है, तो ये जो है एक तरह से द्वेष की भावना या द्वेष के विचार को जन्म देती है। आपस में एक मनमुटाव होता है कि हम आर्थिक रूप से कम हैं और वो आर्थिक रूप से अधिक है, तो उसमें एक हायरार्की हो जाती है, निम्न और उच्च पद हो जाते हैं। तो ये काफ़ी सीमा तक जातिवाद को प्रोत्साहन देता है। एक समान स्तर वाला परिवार जो है वो जातियों में ज़्यादा अंतर क्रिया करता हुआ देखा गया है, और इसलिए निम्न जातियों के आर्थिक स्तर को ऊंचा करके इस असमानता को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है उचित शिक्षा प्रणाली, सुटेबल एजुकेशनल सिस्टम। बच्चों को शुरू से ही इस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए कि उनमें राष्ट्रीय जागरूकता है ना, नेशनल अवेयरनेस विकसित हो सके और उनके दृष्टिकोण अधिक विस्तृत बन सकें। शिक्षा संस्थाओं को जाति पर आधारित ऊंच नीच से दूर रखना चाहिए, और साथ ही किताबें भी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर जातिगत जो है भेदभाव उत्पन्न ना हो सके। फिर नेक्स्ट है जातिवाद के विरुद्ध सामाजिक विधान, सोशल लेजिस्लेशन अगेंस्ट कास्टिज्म। सामाजिक विधान हम लोग बनाकर जातिवाद को दूर कर सकते हैं। जातिवाद फैलाने वालों के लिए ज़बरदस्त दंड की व्यवस्था, उसको सज़ा की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन कोई भी विधान तभी सफल होगा जबकि इसके लिए पर्याप्त जनमत, हमारे साथ बहुत बड़ी जनता साथ होगी, और इसके विरुद्ध हमें जनमत तैयार करना भी अनिवार्य है। नेक्स्ट है औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। औद्योगीकरण से जातिवाद समाप्त होता है ऐसा माना गया है, क्योंकि उद्योग में व्यक्ति केवल अपनी जाति के व्यक्तियों में नहीं बल्कि और भी जातियों के व्यक्तियों के साथ रहकर काम करता है, जिससे क्या होता है जाति बंधनों का बहुत महत्व नहीं रह जाता है।
और अन्य जातियों के लोगों के साथ भी रहकर वो बहुत ही, कहते हैं ना कि उसके दृष्टिकोण जो है वो बहुत कहना चाहिए बहुत खुला खुला हो जाता है, यानी ओपन माइंड हो जाता है, बहुत कंजर्वेटिव नहीं रह जाता है, जिसमें कहते हैं ना जातिवाद का कोई स्थान ही नहीं होता है। तो औद्योगिक विकास भी विभिन्न जातियों में को दूरी को समाप्त करने में बहुत सहायक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है नगरीकरण। तो नगरीकरण से प्रत्येक नगर में विभिन्न जातियों का एक अच्छा खासा जमघट इकट्ठा होता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, प्रत्येक जाति को ये मौका मिल जाता है कि वह अपने हितों की रक्षा के लिए और एक अपना विशेष संगठन का निर्माण करे। तो अगर देखा जाए तो नगर की परिस्थितियाँ ही इस प्रकार की हैं कि उनमें विशेषीकरण की आवश्यकता होती है। इसलिए देखा गया है कि जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित बहुत सारी समिति और संस्थाएं नगरों में दिखाई देती हैं। जैसे देखोगे श्रमिकों के स्वार्थ की रक्षा के लिए एक श्रमिक संघ बन गया, मालिकों के हितों की रक्षा के लिए मालिकों का अपना संगठन है, उसी तरह वकील संघ है, दुकानदार संघ है, हलवाई संघ है, यहाँ तक अगर देखोगे तो रिक्शा चालक जो है उनका भी अपना एक यूनियन बन गया है, जिससे क्या हो रहा है कि विभिन्न वर्गों के स्वार्थों की रक्षा के लिए नगरों में एक जगह या एक स्थान मिल रहा है। तो नगर की ये परिस्थिति क्या हो रही है, प्रत्येक जाति को इस बात के लिए प्रेरित कर रही है कि वो अपना एक संगठन के द्वारा अपने स्वार्थों की रक्षा कर सके, यानी और नागरिक समुदाय में भी अपनी जाति के सदस्यों की प्रतिष्ठा बढ़ाने में उन्हें हर प्रकार से मदद प्रदान करे। और नेताओं को देखो तो इस प्रवृत्ति को बहुत काफ़ी बढ़ावा दिया है। धीरे धीरे अभी देखा जाए तो शहरों से गांवों में भी इस तरह की प्रवृत्ति का विस्तार हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है जाति नई अस्मिता, कास्ट एज न्यू आइडेंटिटी के रूप में है। तो अभी देखा जाए तो समानता का द्वार जो है वो सबके लिए खुला हुआ है और अपनी जाति की प्रतिष्ठा इसी आधार पर स्थिर रह सकती है या बढ़ सकती है, क्योंकि अवसर से लाभ उठाकर एक जाति से अधिक व्यक्ति अपनी स्थिति को उठा सकते हैं। इसके लिए क्या हो रहा है, आज नए ढंग के प्रयत्न करने की आवश्यकता हो रही है। आज सामाजिक स्थिति को निर्धारित करने का आधार जो है वो बदल गया है। आज क्या है, ये आवश्यक है कि जाति विशेष के सदस्य जो हैं वो सबसे पहला उनकी ड्यूटी है कि वो शिक्षित हों, है ना। अगर एजुकेटेड होंगे तो वो ये सारी कहना चाहिए कुरीतियाँ जो हैं उनके दिमाग में आएंगी ही नहीं। और धनी होना चाहिए, अच्छे पदों पर नियुक्त हों, राजनीतिक सत्ता के अधिकारी हों, तब कहीं जाकर उस जाति की स्थिति सामाजिक जीवन जो है वो ऊंची उठ सकेगी। इसलिए प्रत्येक जाति इस संबंध में प्रयत्नशील है कि अपने सदस्यों को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करें ताकि उनकी सामाजिक स्थिति ऊँची उठ सके। जातिवाद जैसी भावना को समाप्त करने के लिए एक क्रियात्मक सामाजिक परिस्थिति और प्रभावपूर्ण जनमत की आवश्यकता है। और अभी भी भारतीय समाज में बहुत अधिक कहना चाहिए कि ये जातिवाद जैसी समस्या खत्म नहीं हुई है। इसलिए जब तक भारत की जनता स्वयं दिल और दिमाग से पूरी तरह से इसके लिए तैयार नहीं होगी, तब तक भारत में जातिवाद या सांप्रदायवाद या कहना चाहिए क्षेत्रवाद जैसी समस्याएं जो हैं वो समाज में अपना स्थान बनाए रहेंगी। धन्यवाद।